झालावाड़ जिले के प्रभारी तथा खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया आज एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे और मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पेयजल संकट और विद्युत कटौती के मामले को लेकर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अधिकारियों को आपसी सामंजस्य से कार्य करने की अपील की। बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित तथा एसपी मोनिका सेन भी मौजूद रही। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया आज एक दिवसीय झालावाड़ दौरे पर हैं। आज सुबह करीब 10 बजे झालावाड़ पहुंचे प्रभारी मंत्री ने मिनी सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और पेयजल संकट तथा विद्युत कटौती से नागरिकों को हो रही परेशानियों के निस्तारण हेतु PHED तथा डिस्कॉम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने PHED अधिकारियों को जलापूर्ति समय में बदलाव करने के निर्देश दिए, जिससे विद्युत कटौती के दौरान पेयजल आपूर्ति की परेशानी से निजात मिल सके। इस दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने स्वास्थ्य विभाग, PWD तथा निकाय अधिकारियों से भी चर्चा कर संबंधित कार्यों की समीक्षा की। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि कोयला संकट के चलते विद्युत आपूर्ति का पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में डिस्कॉम तथा PHED अधिकारियों से आपसी सामंजस्य से काम करने के निर्देश दिए हैं, जिससे नागरिकों की समस्याओं को कम किया जा सके। बैठक के बाद मंत्री प्रमोद जैन भाया मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही VC में शामिल हुए। देर शाम प्रभारी मंत्री मनोहर थाना पहुंचेंगे और संत कमल किशोर जी के धार्मिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बिजली की जो समस्या है, ये पूरे देशव्यापी समस्या है। आज की तारीख में कोयले की आपूर्ति के कारण, इन कारण से कोई ऐसा नहीं कि खाली राजस्थान में ही हो, आज चाहे UP हो, कई स्टेटों में बिजली का आपूर्ति और सप्लाई में डिफरेंस आ रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड भी गए और वहाँ से भी कोयला आपूर्ति बढ़ा, जैसे उनका दौरा हो उसके बाद में वहाँ से भी कोयला आपूर्ति बढ़ी। लेकिन जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ रहा है, फिर भी जो उपलब्धता है उसमें बेस्ट से बेस्ट जनता को अधिक से अधिक बिजली मिल सके, इसके लिए हमारे विद्युत मंत्री जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं और जितना संभव हो सक रहा है वो करने का, मैनेज करने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैंने भी आज अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इस बार अप्रैल माह में जो गर्मी है पिछले इतिहास में कि सबसे तेज़ गर्मी अप्रैल में अभी हम महसूस कर रहे हैं, तो इसमें पीने के पानी की और किसकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जिला कलेक्टर महोदय जी को भी मैंने कहा है कि आप खुद कोऑर्डिनेट करें, जलदाय विभाग और विद्युत विभाग आपस में सामंजस्य बना के जिस जो आपूर्ति हो रही है उसमें जलदाय विभाग को भी आपूर्ति पूरी मिल सके।